छत्तीसगढ़ की राजनीति गलियारा सुर्खियों पर है क्योंकि एक साल बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी के मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टी अपनी तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधायक मनोज पंडावे के निधन के बाद से सीट रिक्त हो गई थी और यह उपचुनाव कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल था। पूरी ताकत के साथ भूपेश बघेल की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए गुंडरदेही विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भानु ने जानकारी देते हुए कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समाज मुख्यमंत्री की योजनाओं को समझकर भारी बहुमत से कांग्रेस को आशीर्वाद भी दिया। कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी की ऐतिहासिक जीत दर्ज के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिला। पांचवी जीत उपचुनाव की और ऐतिहासिक जीत। लगातार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, एक के बाद लगातार जो जीत का ग्राफ बढ़ते गया और आज इस जीत के लिए जिस हिसाब से भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार की थी कि आदिवासियों को आदिवासी के साथ जो लड़ाने का काम किया था वो अपने प्रयोजन में बहुत हद तक सफल हुए। आज हमारे अन्नदाता किसान जो आज पूरे प्रदेश में जिनके बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने तो निश्चय ही कर लिया था कि इस बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी को ही जिताना है। इन चार सालों में जो भूपेश बघेल जी के द्वारा गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई हैं, वो काम आज धरातल पर दिख रहे हैं, गांव में दिख रहे हैं, शहरों में दिख रहे हैं और उसी का परिणाम है। साथ ही स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा भानु प्रतापपुर में किए गए विकास कार्य, इन सभी फैक्टर की वजह से आज माननीय सावित्री मंडावी जी को प्रचंड बहुमत से जीत मिला है।